हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम टॉप 10 बीआर कॉलेजेस 2020 के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हम एनआईआरएफ ने जो रैंकिंग दी है बीआर कॉलेज के लिए, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम रैंकिंग, फ़ी, एडमिशन प्रोसेस, सीट्स, प्लेसमेंट्स, प्लेसमेंट के बाद आपकी सैलरी कितनी होगी, यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होगा, दैट मीन्स जितना आप फ़ी पे कर रहे हो उस हिसाब से आपकी सैलरी पैकेज कितनी होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर वन यानी कि जो टॉप पे है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। तो बेसिकली इस इंस्टीट्यूट की फ़ी है 82,070 रुपीज़ पर ईयर, ये एक साल की फ़ी है। और इस इंस्टीट्यूट में जाने के लिए आपको कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देने होते हैं। सबसे पहले आपको जेई मेन पेपर 2 का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, आफ्टर दैट आपको जेई एडवांस का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, उसके बाद काउंसलिंग सेशन होती है, उसके बाद आप एडमिशन ले पाते हो। ओके, टोटल 44 सीट्स है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए इस इंस्टीट्यूट में है। एंड प्लेसमेंट के बाद आपकी जो मीडियम सैलरी होती है वो 11 लाख होता है अराउंड। मीडियम सैलरी का मतलब वो जो ज़्यादातर स्टूडेंट को एक एवरेज पैकेज मिलता है। ओके, नंबर टू है आईआईटी रुड़की, और इस इंस्टीट्यूट को इंडिया टुडे ने नंबर 1 रैंकिंग दी है। सो बेसिकली ये इंस्टीट्यूट भी काफ़ी अच्छी इंस्टीट्यूट है। फ़ी की बात करते हैं, 2,21,700 पर ईयर इस इंस्टीट्यूट की फ़ी है, और इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको जेई एडवांस का पेपर क्लियर करना होगा। सेम खड़गपुर की तरह ही है, तो इसमें भी आपको पहले जेई मेन का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, उसके बाद जेई एडवांस का। इसके अलावा आप एनएटीए यानी कि नाटा का एग्ज़ाम भी क्लियर कर सकते हैं। टोटल 30 सीट्स हैं। प्लेसमेंट के बाद आपका जो एवरेज पैकेज यानी कि मीडियम पैकेज होता है वो 8 लाख का पैकेज होता है। एंड यहाँ पे ICICI, TCS जैसी कंपनीज आपको रिक्रूट करती है। नंबर थर्ड इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी केरला। तो इस इंस्टीट्यूट की फ़ी है 53,797 पर ईयर, एक साल की फ़ी है। और ये जैसा कि ये NIT है, तो NIT के लिए आपको मेन का एग्ज़ाम देना होता है, एडवांस का एग्ज़ाम क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप JEE मेन पेपर 2 का एग्ज़ाम क्लियर करते हो तो आप इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले पाओगे। टोटल 53 सीट्स हैं, और प्लेसमेंट के बाद आपकी सैलरी पैकेज होगी 6 लाख। नंबर 4 है CEPT यूनिवर्सिटी, जो कि गुजरात में है। गाइज, ये यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, एंड इस यूनिवर्सिटी की फ़ी है 6,40,000 पर ईयर। ये एक साल की फ़ी है, टोटल फ़ी मैं नहीं बता रही हूँ यहाँ पे, एक साल की फ़ी है 6,40,000। सो गाइज, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, बट इस यूनिवर्सिटी में 2 टाइप का आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है, एक मेरिट बेस्ड होता है और एक इकोनॉमिकल, जो वीकर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनके लिए। तो बेसिकली आपका जो स्कॉलरशिप होता है उस स्कॉलरशिप से आप अपना फ़ी मैनेज कर सकते हो। तो यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है। एग्ज़ाम की बात करते हैं, तो इस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपको नाटा का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। टोटल 80 सीट्स है, एंड सैलरी पैकेज जो है आपका एक मीडियन एवरेज सैलरी पैकेज वो 4.5 लाख है। नंबर 5, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, जो कि न्यू दिल्ली में। गाइज, इंडिया टुडे ने इस यूनिवर्सिटी को नंबर 2 रैंकिंग दी है। तो चलिए फ़ी देखते हैं, 1,21,600 पर ईयर इस कॉलेज की फ़ी है। एंड एडमिशन के लिए आपको अगेन जेई मेन का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, और टोटल 105 सीट्स है। सैलरी पैकेज देखें तो 5.4 लाख पर एनम आपकी सैलरी होती है प्लेसमेंट के बाद। ओके, नंबर 6 है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि वेस्ट बंगाल में है। गाइस, ये यूनिवर्सिटी भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे आपकी जो फ़ी है वो 70,000 पर ईयर है, एंड एग्ज़ाम के लिए आपको अगेन जेई मेन पेपर 2 का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। टोटल 24 सीट्स हैं, एंड मीडियम सैलरी है 3 लाख। नंबर 7 इज़ स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, जो कि भोपाल में है। ओके, यहाँ की फ़ी है 92,300 पर ईयर, और आपको जेई मेन पेपर 2 का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा इस कॉलेज में जाने के लिए। टोटल 75 सीट्स है बीआर के लिए, एंड मीडियम सैलरी है 3 लाख। नंबर 8 NIT ट्रिची, और इस इंस्टीट्यूट की फ़ी है 1,61,250 रुपीज़ पर ईयर, तो ये एक साल की फ़ी है। और एडमिशन के लिए आपको NATA का एग्ज़ाम देना होता है, नाटा, और आप JEE मेन का एग्ज़ाम दे सकते हो। ये दोनों एग्ज़ाम्स आप दे सकते हो NIT ट्रिची में जाने के लिए। ओके, टोटल 57 सीट्स है, और सैलरी देखें तो एवरेज सैलरी यानी कि मीडियम सैलरी 6 लाख है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट को इस इंस्टीट्यूट में 6 लाख का पैकेज ही मिलता है। चलिए, नंबर 9 इज़
स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो इस कॉलेज की फ़ी है 82,500 पर ईयर एंड एडमिशन के लिए आपको जे मेन का एग्ज़ाम देना होता है। टोटल सीट्स देखे बी आर और बी प्लानिंग की तो टोटल सीट है 110 एंड प्लेसमेंट के बाद आपकी जो सैलरी होती है उसमें आपको 3.8 लाख का पैकेज मिलता है। नंबर 10 है जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो कि न्यू दिल्ली में है। सो ये सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और अब तक की हम लोगों ने जितने भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट डिस्कस किया सबसे कम फ़ी इसी यूनिवर्सिटी की है। तो बेसिकली एक साल की फ़ी है 11,150 रुपीज़, तो पर ईयर आपको 11,000 पे करना है अराउंड। एंड इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपको जे मेन का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। टोटल 80 सीट्स है। प्लेसमेंट के बाद आपको 4.8 लाख का पैकेज मिलता है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट को इस यूनिवर्सिटी के बाद 4.8 लाख का पैकेज ही मिलता है। तो ये सारे कुछ टॉप यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट्स थे जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो बी आर के लिए यानी कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए। तो गाइज अगर आपको ऐसे टॉप यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं, जैसे आप जे मेन या जे एडवांस का एग्जाम क्लियर कर सकते हो या फिर एन ए टी ए नाटा का या फिर महाराष्ट्र सी ई टी का भी एंट्रेंस एग्जाम आप क्लियर कर सकते हो। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप चाहो तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हो और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करने के साथ उस नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर सकते हो। तो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।